गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था डेप्रिसिएशन और उसका एक मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, जब किसी असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके दो मेथड बताए थे मैंने आपको, एक तो स्ट्रेट लाइन होता है और दूसरा कौन सा होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, ईयर प्रोसीड होते जाएंगे, वैसे वैसे असेट्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जैसे जैसे असेट्स की वैल्यू कम होगी ना, तो डेप्रिसिएशन भी क्या लगेगा, उस रिड्यूस हुई असेट्स पर लगेगा। जैसे मान लो शुरू में कल हमने क्या किया था, 1 लाख के असेट्स है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो 10,000 हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, वही सेकेंड ईयर लगेगा, वही थर्ड ईयर, वही फोर्थ ईयर, अप टू 10 ईयर ऐसे लगता रहेगा। लेकिन इस मेथड में क्या होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू में, मान लो हमने फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपए के सेट्स ली, 10% डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस कितना हुआ, 90,000 के ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। अब 90,000 का डेप्रिसिएशन कितना होता है, 9,000, फिर 9,000 लगा दो, बैलेंस कितना रह गया, 81,000। अब 81 पर लगेगा, रिड्यूस का मतलब है, रिड्यूस का मतलब यहां पर ये है कि जैसे जैसे असेट्स की वैल्यू कम हुई, डेप्रिसिएशन भी क्या होता रहा, चेंज होता रहा। और जो ये मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी से अप्रूव्ड भी है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाले किसको अप्रूव्ड मानते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू को, यानी जिसके अंदर क्या होता है, असेट्स की वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन भी क्या होता रहेगा, कम होगा। दूसरा फीचर क्या है इसका, इजी कैलकुलेशन। इजी कैलकुलेशन जो पॉइंट है, आप थियोरिटिकल लिख रहे हो तो आप स्टेट लाइन में भी लिख सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो, कि इजी कैलकुलेशन का मतलब है कि ये इसको कैलकुलेट करना क्या है भला, आसान है। थर्ड पर आप क्या लिख सकते हो, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स। लेटर ईयर्स मतलब बाद के साल, उसके ऊपर उसमें क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। कैसे, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक नई मशीन है, नई मशीन क्या होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा देगी या कम देगी, बिल्कुल आप फ्रेश चीज लेकर आए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा देगी। और इस मेथड के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन भी क्या लगा रहे हो, शुरू में ज्यादा लगा रहे हो, ठीक हो गया, जितना खर्चा हुआ, खर्चा मतलब डेप्रिसिएशन, उतनी ही हमारा प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई तो हमारी इनकम ज्यादा हुई। अगले साल में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट में साल तक आते वक्त होगा ऐसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू बिल्कुल कम और प्रोडक्टिविटी भी कम। तो यानी बाद के साल में, बाद के जो ईयर्स होंगे, यानी अगर मान लो 10 ईयर्स का हम ले रहे हैं, तो जो 9th और 10th ईयर होंगे उसके अंदर डेप्रिसिएशन बिल्कुल कम होगा। डेप्रिसिएशन कम होगा तो हमारे पास इनकम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है। तो प्रेशर नहीं होगा माइंड के ऊपर कि हमारे पास डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा है जी, प्रोडक्टिविटी है नहीं, ऐसा नहीं होगा। थर्ड, असेट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। इस मेथड के अंदर जो आपकी असेट्स हैं उसकी वैल्यू कंप्लीटली जीरो नहीं होगी। स्टेट लाइन में तो कल कर दी थी हमने जीरो, यानी अगर 1 लाख की चीज है, हर साल 10,000 लगाते गए डेप्रिसिएशन, लास्ट में 10th ईयर में आकर क्या होगा, असेट्स की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन इस मेथड के अंदर आपकी असेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, चाहे बेशक पॉइंट्स में बचे, बेशक पॉइंट्स में बचे, वैल्यू आपकी रहेगी ही रहेगी। तो ध्यान में रखना है रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर असेट्स की वैल्यू कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकती। तो ध्यान रखने की कुछ बातें, अब हम इसका एक प्रैक्टिकल सम कर लेते हैं। आपको प्रैक्टिकल सम करने के बाद पता चल जाएगा कि रिटर्न डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस फिर आप खुद ने एनालिसिस करना है। 4 पॉइंट आप इसके मुझे लिख कर दिखाओगे और एक सम मैं करवा देता हूँ, सम के थ्रू आपको पता चल जाएगा कैसे। अगर आपके पास बुक है तो बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख सकते हैं आप, मैं अकाउंट बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या कहता है हमें, ऑन 1st अप्रैल 2012 सोनू लिमिटेड परचेज ए मशीनरी। सोनू लिमिटेड वाला समय, कितने की मशीनरी ली अपने, 3,90,000 की। तो जो हमने मशीनरी लिया हम यहाँ लिख देते हैं परचेज,
यहां पर लिख देते हैं सेल, क्लियर, और यहां लिख लेंगे हम डेट। ये काम मैं रफ में कर रहा हूं सारा, आपने भी रफ में ही करना है सारा काम, रफ का ही। क्या लिया हमने, 1 अप्रैल 2012 को क्या लिया, मशीन ली 3,90,000 की। फिर क्या किया हमने, इसके ऊपर खर्चा कर दिया 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2500 प्लस 500, ये सारे खर्चे हैं। इसमें खर्चे को इलेबोरेट कर रखा है, 5,000 फॉर कैरेज, 2,000 फॉर ब्रोकरेज ऑफ द मिडलमैन, 2500 फॉर इंस्टॉलेशन एंड 500 फॉर एन आयरन पैड, सारे खर्चे हैं ये आपके। फिर कहता हमारे पास ऑन 1 नवंबर 2013, डेट लिखेंगे डेट वाले कॉलम में, 1 नवंबर 2013 को क्या किया हमने, दे परचेज अनदर मशीनरी फॉर 1 लाख एंड 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। हमने एक और मशीनरी ले ली 1 लाख की, और हमने इसके ऊपर 20,000 रुपए और खर्च कर दिया ओवरहॉलिंग पर। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है कि हमने उस मशीन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो जो भी इमीडिएट एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपको क्या करने चाहिए, उसी मशीन के अंदर ऐड कर देने चाहिए, जो इमीडिएट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हमने ओपनिंग वाली मशीन में भी किए थे ना, इस वाले भी कर दिए हमने। आगे क्या कहते हैं, ऑन 30 सितंबर 2014 को क्या हुआ, द मशीनरी परचेज इन 2012, जो पहले वाली मशीनरी थी ना 2012 में जो परचेज की थी वो हमने सेल कर दी एट ए लॉस ऑफ 1,27,800। फर्स्ट मशीन सोल्ड लिख दो यहां पर सेल वाले कॉलम में, फर्स्ट मशीन सोल, और कितने में बेची है हमें ये नहीं पता कितने में बेची है, हमें ये पता है कितने के लॉस में बेची है। तो हमने लॉस लगा दिया, यानी 1,27,800 के लॉस में आपने बेची है। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, 10% पर एनम, और मेथड कौन सा है आपका, रिटर्न डाउन वैल्यू। और आपके अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं हमारे पास, 31 मार्च को एवरी ईयर। तो सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना है। तो सब देखो मशीनरी है, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने बना लिया मशीनरी अकाउंट, फॉर्मेट इसका वही रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये बना दिया हमने डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बन गया जी। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने परचेज किया 1 अप्रैल 2012 को, तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2012 परचेज करते, तो हम क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट कितने के लिए है, 3,90,000 की, और जो खर्चे हुए वो अलग वाले लाइन में लिख देंगे हम, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस कितने के एक्सपेंसेस, 10,000 के। अब आपने ये देखना है 2012 में शुरू हुआ तो ख़त्म कब होगा, ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2013 को। इस बेच में कुछ सेल परचेज हुई क्या, सेल परचेज हुई तो है लेकिन 11 में हुई है, यानी 2013-14 में हुई है। वो डेट ध्यान में रखनी है, 31 मार्च 13 तक कोई कुछ नहीं हुआ, हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च 2013 को। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा देना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने की थे हमारे पास, 390 एंड 10, 4 लाख, 4 लाख के ऊपर ही आप क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कितना बनेगा डेप्रिसिएशन, 10% है तो 40,000, बैलेंस कितने का बचेगा हमारे पास, 3,60,000 का, बाय बैलेंस सीडी 3,60,000।
ये है हमारे पास परचेज। बैलेंस कैसे निकला, 4 लाख में से हमने 40,000 माइनस करके 360 निकाल दिया। अब इस सीडी को यहां पर बीडी बना देंगे, बैलेंस को ब्रोट डाउन कर लेंगे। 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस बीडी, कितने की बीडी कर ली हमने, 3,60,000 की। क्लियर है? अब देखने आपने 13-14 में कुछ हुआ क्या, फाइनेंशियल ईयर 13-14 का मतलब है 1 अप्रैल 2013 से शुरू होकर 31 मार्च 2014 तक, ये हुआ है जी बीच में, परचेज किया हमने। तो यहाँ लिखेंगे डेट 1 नवंबर 2013 परचेज किया हमने। तो परचेज को हम क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। मशीनें कितनी हो गई हमारे पास, अब दो हो गई, तो पहली वाली को 1 नंबर दे दो, दूसरे वाली को दूसरा नंबर। कितने के लिए थी हमने, 1 लाख, और 20,000 इसके ऊपर और खर्चा किया था हमने, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 1,20,000 लगा दो। अब और कुछ किया क्या हमने 13-14 में, 31 मार्च 14 तक कुछ नहीं किया, तो 31 मार्च 14 को हमने क्या करना है, ये अकाउंट बंद कर देना है। बंद करने से पहले क्या लगाना पड़ता है आपको, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, देखो अब रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या है, आज की वैल्यू 360 है, तो डेप्रिसिएशन 360 पर लगेगा। पहले वाले में क्या करते थे, जैसे हमारे पास 4 लाख के सेट्स थी, तो 4 लाख के 40,000 लगाते थे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन रिटर्न डाउन है, रिटर्न डाउन में जैसे जैसे सेट्स की वैल्यू कम हो रही है, वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 36,000, फिर कितना हमारे पास, 1,20,000 है। 1,20,000 को क्या करोगे आप, 10% कितना बनता है, 1,20,000 का 10% 12,000, 12,000 तो पूरे साल का हो गया, लेकिन हमने ये मशीनरी ली है नवंबर में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने का लगेगा हमारे पास, 5 मंथ्स का। तो 5 मंथ्स का निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 5/12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5,000। तो डेप्रिसिएशन सेकेंड मशीन पर कितना लगेगा, 5,000, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दें कि कितने मंथ्स का है, ये 5 मंथ्स का है। क्यों, क्योंकि हमने वो मशीनरी ही कब ली है, नवंबर में। जब हमने ली है नवंबर में, तो डेप्रिसिएशन भी कहाँ से कैलकुलेट होगा, नवंबर से ही होगा। लगा दें, और यहाँ क्या लगा देंगे हम, बाय बैलेंस सी डी, नंबर 1 का और नंबर 2 का। अब क्या करेंगे हम, पहली मशीन में से पहले वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और दूसरी वाली मशीन में से दूसरे वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो 3,60,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, 36,000। तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये 3,24,000। पहली मशीन का बैलेंस निकल गया 324, और दूसरी मशीन का कितना निकलेगा, 115। क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे, क्योंकि साल खत्म हो गया ना, कितना आया यहाँ पर, 4,80,000, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 4,80,000। ये 2 साल खत्म हो गए हमारे, 2 ईयर्स क्लोज हो गए। फिर थर्ड ईयर 31 मार्च 2014 है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस बीडी, कितने का है, फर्स्ट नंबर 3,24,000, और सेकंड कितने का हमारे पास, 1,15,000। अब हमारा ये ईयर कब शुरू हुआ है, 2014 में, खत्म कब होगा, 15 में। लेकिन 15 में जाने से पहले आपने ध्यान में रखना है, 30 सितंबर को आपने पहले वाली मशीन बेच दी, सेल कर दी, तो जब भी सेल होगी वो कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में। अब इस सम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सेल का अमाउंट तो दे नहीं रखा सर, तो क्या करें, अगर हमारे पास क्या नहीं है, सेल का अमाउंट ही नहीं, तो कोई बात नहीं, लॉस दे रखा है भाई, लॉस से कर लेंगे हम। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डेट लिखो आप, 30 सितंबर 2014 बेचते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल, सेल वैल्यू हमें नहीं पता अभी तक, छोड़ दो इसको। दूसरी चीज पे क्या लिखते होते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ब्रैकेट में क्या लगाओगे, लोस। लोस हमें गिवन है सम के अंदर 1,27,800। और तीसरी चीज आप क्या लगाते हो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितने मंथ्स आपने वो मशीनरी यूज की है। मंथ्स काउंट कर लो, ये साल कब शुरू हुआ था, अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक महीने कितने हो गए, 6। तो देखो निकालो डेप्रिसिएशन, 3,24,000 हमारे पास पूरे साल का क्या है, असेट्स की वैल्यू हमारे पास। अगर आप इसका सीधा 10% करते हो तो कितना बन गया, ये 32,400, क्योंकि डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, सिंपल। अगर 6 मंथ का करना तो क्या करेंगे, 6/12, तो कैसे करेंगे, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 16,200 रुपये, ठीक है। अब 16,200 आप यहाँ लगा दो और यहाँ क्या लिखोगे, अब 6 मंथ, क्योंकि डेप्रिसिएशन कितने मंथ का है, 6 मंथ का। तो देखो आप, अब सेल वैल्यू निकल आएगी, कैसे निकलेगी सेल वैल्यू, ध्यान से देखो। देखो उस असेट्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3,24,000। यहां से देखनी है आपने वो, कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास असेट्स की वैल्यू कितनी है, 3,24,000। इसमें से आपने जो दोनों अमाउंट्स हैं ये वाली, ये क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो 1,27,800 प्लस में 16,200, ये कितने बन गए हमारे पास, 1,44,000। ये इसमें से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दो, तो हमारे पास सेल वैल्यू आ गई कितनी, 1,80,000। यानी हमने वो मशीन बेची कितने की है, 1,80,000 की। ये टॉपिक दोबारा रिपीट कर लो एक बारी, कैसे करना है, जितने की मशीन थी, कितने की मशीन थी, 3,24,000, ये रफ कॉपी में लिख लो एक बारी, साइड में लिख लिया, और उसके अंदर से जितना हमारे पास लॉस गिवन है, लॉस प्लस में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कब तक का, जब तक हमने वो मशीन यूज की है, हमने वो मशीन यूज की है 30 सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर तक महीने बनते हैं 6, काउंट कर लेने आपने, और 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो बनता है 16,200। और जो लॉस है और डेप्रिसिएशन है, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, और जितने की मशीन थी उसमें से माइनस कर दो। हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास वो जो मशीनरी थी वो कितने की बेची हमने, 1,80,000 की। अब हमने क्या करना है, 31 मार्च को साल को क्लोज कर देना है, फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है ना, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन 2 पर ओनली, क्योंकि पहले वाली मशीन तो बिक गई है। अब 1,15,000 है, इसका 10% कितना होता है, 11,500, और यहाँ क्या लगाएंगे हम, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा, 1,15,000 माइनस 11,500, 10 में से 5 के 5, तो कितने बचे हमारे पास, 1,03,500, ये हमारे पास बैलेंस बच गया, और हमने दोनों साइड क्या कर देना है, टोटल कर देना, तो टोटल देखो कितना बनेगा, 4,39,000, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 4,39,000। तो जब आप टोटल करोगे, ध्यान रखना आपने सारी जो आइटम, इस साल की सारी आइटम में सभी का टोटल करना है, तो ऐसा करने से आपका जो ये सम है कंप्लीट हो जाता है। और जो ये सम है ये कौन से मेथड का है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। रिटर्न डाउन वैल्यू में बहुत सारी चीज़ें सेम है, जैसे बैलेंस वैसे ही उतरेगा, साल वैसे ही क्लोज होगा, ईयर वैसे ही क्लोज होगा, और प्रॉफिट या लॉस भी वैसे ही निकलेगा। सिर्फ फर्क आया तो आया किस चीज़ में, डेप्रिसिएशन के अमाउंट में। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता जा रहा है, इसके अंदर कम होता जा रहा है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट जैसे ही कम होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बन जाएगा। अब इसकी कमियां भी हैं कुछ इस मेथड की। अब जैसे मान लो अगर एक मशीनरी है हमारे पास, तब तो ये मेथड रहेगा सही। अगर मान लो मशीनरी हमारे पास क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हर किसी मशीन की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पहली कमी इसके अंदर ये है, आपने शुरू में पढ़ा था इजी कैलकुलेट, लेकिन वो वहाँ पर था इजी कैलकुलेशन जहाँ पर सिर्फ एक मशीनरी हो, मोर देन वन, 2 मशीनरी हो, 3 मशीनरी हो, तो ये मेथड कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर एक पॉइंट फायदे में बताया था हमने कि असेट्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली जीरो,
कि एसेट्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल ही क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसको कोई फ्री में भी लेके नहीं तैयार होता, तो दूसरी कमी ये बन जाती है। तो ये आपने थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ लेना है। परचेज सेल का रफ, ये जो काम है आप सारा रफ में करें, बहुत आपका आसान होगा। आप साथ पहले तो क्या करना है, आपने डेट वाले कॉलम में डेट लिख दें, परचेज है तो परचेज वाले कॉलम में लिख लें, सेल है तो सेल वाले कॉलम में लिख लें। ऐसा करेंगे तो आपको सम ये आसान लगेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट टॉपिक में या क्वेरी सेशन में आपसे क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।